Brigade of the Guards. Brigade of the Guards आज न सिर्फ भारत बल्कि कई दूसरे देशों में भी पीस कीपिंग फोर्सेस के तौर पर कार्यरत है। यह सिलसिला शुरू हुआ था आजादी से पहले, जब ये इजिप्ट, फ्रांस और मिडल ईस्ट में पोस्टेड थे, और फिर आजादी के बाद सूडान, कांगो, अंगोला, गाजा और लाइबेरिया। ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स आज भारतीय फौज की सबसे सम्मानित रेजिमेंट्स में से एक है। वो सेना के हर महत्वपूर्ण ऑपरेशन का हिस्सा रही है और इनके कलर्स इस बात के गवाह हैं। और यही शानो शौकत दिखती है इन जवानों के टर्नआउट में भी, जिसका बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है। गार्ड्स की यूनिफॉर्म ब्रिटिश गार्ड से प्रभावित है और इन्हें भारतीय सेना के सबसे खूबसूरत रेजिमेंट माना जाता है। ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स की सबसे पहली यूनिक बात थी कि जब रेज की गई थी तब कोई भी जवान जो है 180 सेंटीमीटर से कम हाइट का नहीं होता था, यानी सभी जवान जो है 6 फुट से ऊपर वाले होते थे। दूसरी एक खुसूसियत जो हमारी है वो हमारी यूनिफॉर्म है। हमारी यूनिफॉर्म सबसे सुंदर है, ये सिर्फ हम ही नहीं कहते हैं, बाकी पूरी इंडियन आर्मी कहती है, पूरे देश कहता है। और इन तीनों से, दोनों चीज़ों से उठकर तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि वो जज्बा जो है वो हमारा और किसी में नहीं है। और हमारा जो मोटो है पहला हमेशा पहला, उसको निभाने के लिए ये आदमी, एक गार्ड्समैन कुछ भी कर सकता। और पहला हमेशा पहला रहने का जज्बा खेल के मैदान में भी ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स के अफसरों और जवानों में देखा गया। 1956 में हवा सिंह जी ने सेंटर में एज अ रिक्रूट ज्वाइन किया और 1958 में इसी सेंटर में उन्होंने यहाँ पे बॉक्सिंग का प्रैक्टिस स्टार्ट किया। हवा सिंह जी हैवी वेट कैटेगरी में खेलते थे और अगर आप देखेंगे तो 1960 से लेके तकरीबन 66 से लेके जो 7-8 साल थे वो पूरा नेशनल्स में दबदबा रहा हवा सिंह जी का। इसी में उन्होंने एशियन गेम्स, एशियन चैम्पियनशिप भी जीती और इसी में उन्होंने एक इस तरीके का वातावरण बना दिया था कि उनके सामने कोई भी हैवी वेट कैटेगरी में टिक नहीं पाता। ऑनररी कैप्टन हवा सिंह को खेल के क्षेत्र में अपने अभूतपूर्व योगदान के लिए अर्जुन सम्मान से नवाजा गया। वो जब खेले तो हमेशा जीते और फिर उनकी ट्रेनिंग एकेडमी बीबीसी यानी भिवानी बॉक्सिंग क्लब ने देश को जीत दिलाने वाले बॉक्सर्स को ट्रेन किया। जहां ऑनररी कैप्टन हवा सिंह हैवी वेट चैंपियन रहे तो वहीं लाइट वेट चैंपियन रहे ऑनररी कैप्टन मेहताब सिंह, जिन्हें भी भारत के सबसे ऊंचे खेल सम्मान अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया। बॉक्सिंग के साथ साथ रेसलिंग में भी इस रेजिमेंट की पकड़ रही है। 1960 और 1970 के दशक में ऑनररी कैप्टन विश्वनाथ जी ने काफी कमाल दिखाया, उन्हें भी अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया और आज कई रेसलर्स यहां रेजिमेंटल सेंटर में ट्रेन हो रहे हैं। ड्रिल, डिसिप्लिन, ट्रेडिशन, टर्नआउट और ऑपरेशंस, इन सभी मायनों में पहला हमेशा पहला होने की चाहत और उसे पूरा करने के जुनून ने ही ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स को आज आगे रखा है, ठीक उनके रेजिमेंटल गान की तरह। निडर सिपाही गार्ड्स के, हम रक्षक हिंदुस्तान के, रख कर जान हथेली पर हम चलते सीना दान के, हम हैं गार्ड्स, हम हैं गार्ड्स, हम है गार्ड्समैन।